ओके दोस्तों, तो अब हम लोग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के रिगार्डिंग उस सवाल पे ध्यान देते हैं। यहां पर हम लोग केवल और केवल एक ही चीज अप्लाई करेंगे, वो है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बढ़िया सवाल बन सकते हैं, एक एक करके वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। चलो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान देना, मेरे पास दो कंटेनर है, राइट। जो पहला वाला कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम है V1, ये वाले कंटेनर के अंदर गैस का जो प्रेशर है वो है P1 और जो टेम्परेचर है वो है T0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसके साथ एक दूसरा गैस का कंटेनर जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ये एक बहुत पतला सा पाइप, पाइप का वॉल्यूम प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है, और जो दूसरी तरफ का कंटेनर है उसका वॉल्यूम है V2, इसका प्रेशर है P2 और टेम्परेचर इसको भी है T0, दोनों के बीच में एक स्टॉप कॉक जो है वो फिटेड था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, उस स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया, दोनों तरफ का टेम्परेचर मेरा इक्वल है, राइट। तो कोई भी थर्मल एक्सचेंज गैस के पार्टिकल्स के बीच में नहीं होगा। राइट नाउ हम थर्मल एक्सचेंज को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है राइट नाउ, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए कैपेबल नहीं है, इवेंचुअली वो कैपेबिलिटी भी बनेगी, तब के बाद तब देखेंगे, बट राइट नाउ सिनेरियो ये है। अब मैंने ये क्या किया, ये स्टॉप कॉक को ओपन किया, दोनों में कोई थर्मल एक्सचेंज नहीं होगा तो गैस का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली टी नॉट ही होने वाला है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा उस चीज का वैल्यू कितना होगा, राइट। अच्छा, तो बात ये है, जो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कंटेनर के बीच में तब तक हमारा गैस पार्टिकल्स का एक्सचेंज चलता रहेगा जब तक ना दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल हो जाए, राइट। प्रेशर तो इक्वल होना ही पड़ेगा क्योंकि गैस का फ्लो पॉइंट वन से पॉइंट टू पे प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है। तो फाइनली इक्विलिब्रियम में एक बात तो निश्चित है, आगे के क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, तो जब भी हम दो गैस को कनेक्ट करेंगे गैस एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक ना प्रेशर मेरा इक्वेटेड हो जाए, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स सी, तो लेट फाइनल प्रेशर मैं मान लेता हूं पी नॉट, जो हमारा दोनों गैस का फाइनल प्रेशर होगा वो फाइनल प्रेशर का वैल्यू मान लो कितना है पी नॉट। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितना है, ऑब्वियसली दोनों कंटेनर साथ में मिल गया है तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो हमारा होगा V1 प्लस V2, और फाइनल टेम्परेचर डेफिनेटली जो है वो है हमारा T0। अच्छा, टेम्परेचर के अलावा यहां पर और कौन सा चीज अनचेंज्ड है, ऑब्वियसली टोटल मोल्स ऑफ गैस, राइट। सो अगर मैं एक चीज देखूं, कनेक्ट करने के पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं, यानी कनेक्ट करने के पहले सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स था वो कितना था, P1 V1 by R T naught, और राइट की तरफ मोल्स कितना था, P2 V2 by R T naught। तो अगर मैं टोटल मोल्स के बारे में बात करूं, एन टोटल दैट इज एन एल प्लस एन आर दैट इज पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू बाई आर टी नॉट, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली हमारा अनचेंज्ड होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, गैस हमारा नॉन रिएक्टिंग है और इसके अलावा बाकी गैस कहीं से लीक आउट नहीं किया है,
टोटल सिस्टम को मानते हुए टोटल नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली हमारा कंजर्व रहने वाला है। सो अगर मैं फाइनल के बारे में बात करूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज पी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू बाई आर टी नॉट, राइट, पीवी कौशन आर टी लगाते हुए। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, आर टी नॉट कैंसल्ड, तो फाइनल प्रेशर पी नॉट सिंपली आ जाएगा पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू बाई आर टी नॉट, सॉरी बाई वी वन प्लस वी टू। तो टोटल मोल्स को कंजर्व करते हुए हम आसानी से ये वाला सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोगों ने यहां पर देख लिए। तो इसी प्रोफाइल का और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वो, लेट्स सी। मेरे पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर से हीट कहीं पर बाहर नहीं जा सकता है, यानी एटमोस्फियर में कहीं पर हीट नहीं जा रहा है, तो वो टेंशन मत लेना, और ना ये वाले कंटेनर से गैस हमारा कहीं पर लीक आउट कर सकता है। इन दोनों के बीच में मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पिस्टन जो है, दिस इज मूवेबल एंड डायथर्मिक। व्हाट इज मीन बाय डायथर्मिक? डायथर्मिक मतलब ये है जो इसके थ्रू हीट फ्लो करना पॉसिबल है, यानी हीट फ्लो तब तक करेगा जब तक ना दोनों तरफ का टेम्परेचर मेरा इक्वेटेड हो जाए, राइट। मेरे पास यहां पर कुछ गैस है लेफ्ट की तरफ, और मेरे पास राइट की तरफ भी आइडियल गैस है कुछ, ये क्यूबॉइड पिस्टन है, क्यूबॉइड कंटेनर है, यानी ऑब्वियस सी बात है ये जो क्रॉस सेक्शन जो हमें नहीं दिख रहा है वो कोई एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, आई डोंट नो। ये मुझे मालूम है जो यहां पर इनिशियल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये जो है ये है मेरा 20 सेंटीमीटर, राइट। जो लेफ्ट वाला गैस है इसका टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है टी ये दे रखा है मेरा 100 केल्विन। अच्छा, एक चीज दे रखा है, इनिशियली द पिस्टन वॉज एट रेस्ट, इनिशियली जो पिस्टन है वो हमारा रेस्ट पे था, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो रेस्ट पे ज्यादा रह नहीं पाएगा क्योंकि लेफ्ट वाले का टेम्परेचर ज्यादा है राइट वाले का टेम्परेचर कम है, ऑब्वियसली बात है यहां पर हीट फ्लो करना चालू करेगा, और हीट फ्लो करना चालू करने के कारण ऑब्वियसली बात है यहां पर जो प्रेशर है वो बदलेगा। उस इंस्टेंट के बारे में अगर बात करूं, लेफ्ट वाले का उस इंस्टेंट पे वॉल्यूम फिक्स है बट डेफिनेटली इसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, तो डेफिनेटली यहां का प्रेशर जो है वो हमारा रिड्यूस होगा, राइट। एंड सिमिलरली उस इंस्टेंट पे इसका प्रेशर मेरा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली बात है ये वाला पिस्टन का जो इक्विलिब्रियम है राइट नाउ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी पिस्टन का दोनों तरफ का प्रेशर सेम था, वो ऑब्वियसली बात है अब नहीं होने वाला है, राइट। तो कंप्यूट द फाइनल पोजिशन, कंप्यूट द फाइनल पोजिशन ऑफ द पिस्टन, मेरा पिस्टन का फाइनल पोजिशन क्या होगा। अच्छा, ध्यान देना, इसका प्रेशर बदलेगा, इसका टेम्परेचर बदलेगा, इसका भी प्रेशर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, बट पूरे प्रोसेस के दौरान
लेफ्ट के मोल्स लेफ्ट पे रहेगा, राइट का मोल्स राइट पे रहेगा, और जब फाइनल इक्विलिब्रियम सेट होगा तब दोनों तरफ का प्रेशर भी इक्वल होगा और टेम्परेचर भी इक्वल होगा। कितना होगा मैं नहीं जानता हूं, वो मैं जान सकता भी नहीं हूं, लेकिन जो भी होगा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का फाइनल इक्विलिब्रियम में प्रेशर और टेम्परेचर डेफिनेटली इक्वल होगा, तभी जाके हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजिशन है उसमें हम जानते हैं जो केवल और केवल लेफ्ट का और राइट का दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल है, राइट इसीलिए पिस्टन उस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जैसे ही मेरा टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तुरंत हमारा ये वाला पिस्टन का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होने वाला है। पर जो फाइनल हमारे पास इक्विलिब्रियम सेटल होगा वो फाइनल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ध्यान देना, कुछ ये वाले पोजीशन में फाइनल इक्विलिब्रियम सेट होगा। मान लो ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ ऑटोमेटिकली लेंथ के कंजर्वेशन से टोटल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये लेंथ अगर x सेंटीमीटर है तो ये वाला लेंथ जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस x सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं जो मेरा फाइनल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा उस फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहां का प्रेशर P अगर मानता हूं तो ऑटोमेटिकली राइट का प्रेशर भी P होगा, और लेफ्ट का टेम्परेचर को अगर मैं T मानता हूं तो राइट का टेम्परेचर भी T होगा। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड, राइट। सो नाउ अब अगर मैं इस दोनों में देखूं धीरे धीरे, इनिशियल पोजीशन को पहले एनालाइज करता हूं। अगर मैं पहले इनिशियल पोजीशन को एनालाइज किया तो ध्यान देना लेफ्ट की तरफ का जो नंबर ऑफ मोल्स है एनएल, मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नहीं दिख रहा है वो एरिया को ए मान लो, तो बाई आर। टी नॉट कितना है लेफ्ट की तरफ 400 और राइट की तरफ अगर मैं मोल्स के बारे में बात करूं एनआर, दिस इज पी नॉट, राइट की तरफ का वॉल्यूम हो जाएगा 20A बाय आर इनटू 100। ये मेरे पास एनएल है, ये मेरे पास एनआर है। मैं मोल्स को लेकर इसलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि चाहे बीच में कुछ भी हो लेफ्ट का मोल्स मेरा हर हाल पे लेफ्ट पे ही रहने वाला है और राइट का मोल्स हर हाल पे मेरा राइट पे ही रहने वाला है। सो एनएल और एनआर इंडिविजुअली हमारा कंजर्व होगा। तो इफ आई टेक द रेशियो एनएल बाई एनआर तो क्या जाएगा, पी नॉट कट, ए कट, आर आर कट, कितना आएगा 10/20 × 100/400 एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1/8। ये मेरे पास लेफ्ट का मोल्स और राइट का मोल्स के बीच का कंपैरिजन एनएल बाई एनआर विल बी इक्वल्स टू 1/8 और वही रेशियो बात में भी रहेगा। अच्छा अगर मैं फाइनल पोजीशन को एनालाइज करूं, फाइनल पोजीशन में एनएल कितना होगा, दैट प्रेशर पी एक्स ए by R into T और NR आ जाएगा P into 30 minus XA by R into T, ये आ जाएगा मेरे पास। एंड अब अगर मैं यहां पर दोनों का रेशियो लू NL by NR, PP gone, TT gone, AA gone, everything is gone, it will be simply X by 30 माइनस एक्स, ये मेरा एनएल और एनआर का रेशियो होगा। सो एनएल बाई एनआर पहले मुझे मालूम है 1/8, एनएल और एनआर फाइनल में मुझे मालूम है एक्स बाई 30 माइनस एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को अब लिखूं तो एक्स बाई 30 माइनस एक्स
must be equals to 1 by 8. So 8x will be 30 minus x. So 9x will be equals to 30. So x mere paas aa jayega 10 by 3 centimeter. तो ये हमारा फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन है. तो लेफ्ट की तरफ जो लेंथ होगा वो हो जाएगा मेरे पास 10 बाई 3 सेंटीमीटर, और राइट की तरफ जो लेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 30 माइनस 10 बाई 3, दैट इज 80 बाई 3 सेंटीमीटर, राइट. सो यहां पर भी मेरे पास सेम प्रोफाइल है वाया कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. ओके, नाउ लेट्स सी. अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर, राइट, जो कि एटमॉस्फेयर पे ओपन है. तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंटेनर के अंदर का जो गैस है, जो कंटेनर के अंदर का गैस है, उसका प्रेशर पीनॉट ही होगा, जहां पे पीनॉट हमारा एटमोस्फियरिक प्रेशर है. ऑब्वियसली बात है, बीच में कोई लिड नहीं है, तो हमारा प्रेशर जो है एटमोस्फियरिक प्रेशर में मेंटेन होने वाला है. यहां पे अंदर का टेम्परेचर जो है वो है मेरा राइट नाउ 300 केल्विन. ठीक है, समझ में आया. नाउ the container, now the container is heated. Obviously मैं कंटेनर को हीट करूंगा. अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम इस कंटेनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं लूं, अंदर का प्रेशर मेरा फिक्स रहेगा, वॉल्यूम भी मेरा फिक्स रहेगा, तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से मैं बोल सकता हूं जो गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मेरा डेफिनेटली कम हो जाएगा. सो कंटेनर इज हीटेड टू टी इज इक्वल्स टू 900 केल्विन मान लो. तो सवाल ये है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स of gas that came out of the container. Container के बाहर कितना fraction of gas जो है वो हमारा निकल गया है वो मुझे निकालना है. But ध्यान देना, pressure which is equals to P naught and volume remains constant for gas inside the container. कंटेनर के अंदर का गैस का जो प्रेशर है पी नॉट और जो वॉल्यूम है वी नॉट वो हमारा हर हाल पे कांस्टेंट रहने वाला है. ये मेन बात है जो हमें समझना पड़ेगा. तो पीवी को एनआरटी पे पी और वी अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है एनआरटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो एन इनिशियल आर इंटू टी इनिशियल will be n final r into t final. rr is cancelled. So n initial, t initial kitna hai? 300. Will be n final into 900. So n final is equals to 1 by 3 into n initial. So one third fraction of moles jo hai, wo hamara bacha rahega. Baki hamara nikal jayega. Therefore, टू थर्ड मोल्स ऑफ गैस हैज गॉन आउट ऑफ द कंटेनर.
तो अगर ओपन कंटेनर है तो ध्यान रखना है उसका प्रेशर को हमें हमेशा कंजर्व करना है, बाकी कंटेनर का वॉल्यूम में कोई बदलाव को नेग्लेक्ट करते हुए हम सिंपली बोल सकते हैं जो n इंटू टी हमारा फिक्स रहना चाहिए एंड उसके करस्पॉन्डिंग काफी आसानी से हम कितना फ्रैक्शन ऑफ पोल्स बाहर जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास दो ऐसे बल्ब है, ये दोनों बल्ब का वॉल्यूम जो है वो सेम है, जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसका वॉल्यूम को हमें नेग्लेक्ट करना है, राइट। कुछ वी नॉट है, इनिशियली ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पे था और ये वाला भी हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। नाउ राइट नाउ यहां पर अंदर का जो प्रेशर था वो था 1 एटीएम, यहां पर जो अंदर का प्रेशर था वो था 2 एटीएम, राइट। अब मैंने क्या किया, दो काम साथ में किया, मैंने लेफ्ट वाले का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया, मैंने लेफ्ट वाले का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया और राइट वाले का टेम्परेचर मैंने 127 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया। और अब मैंने ये कॉर्क को ओपन कर दिया, राइट। तो ऑब्वियसली बात है दोनों तरफ के गैस आपस में फ्लो हो सकता है, जो पाइप का वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट करना है और जो इसका बल्ब का एक्सपांशन वगैरह अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी नेग्लेक्ट करना है, यानी दोनों तरफ का वॉल्यूम को फिक्स मानना है, वी नॉट, राइट। सो कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, एट ऑफ या इनसाइड द बल्ब, दोनों बल्ब में जो फाइनल प्रेशर होगा उस फाइनल प्रेशर का वैल्यू कितनी होने वाली है। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना, दोनों तरफ का टेम्परेचर भले अलग अलग हो, गैस का प्रेशर जो होगा वो स्टॉप कॉक ओपन करने के बाद डेफिनेटली सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक हमारा गैस जो है वो निरंतर फ्लो करता रहेगा, उस चीज को हम नहीं रोक पाएंगे। ओके नाउ लेट्स सी, क्या बोला है इसमें, दोनों तरफ का इनिशियल प्रेशर दे रखा है। अच्छा तो इनिशियल प्रेशर से मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स होगा गैस का। अच्छा दोनों गैस सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आइडियल गैस पे हमें वही फायदा मिलता है, जो आइडियल गैस में इट डजेंट मैटर व्हाट द गैस इज, मैं इन जनरल सारे गैस को साथ में कंबाइन कर सकता हूं और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो एक तरफ O2 है या एक तरफ N2 है दैट डजेंट मैटर, दोनों तरफ N2 हो तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, बस रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपस में, ऑल दीज गैसेस ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। तो लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू वी नॉट बाय आर इंटू 300, और राइट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं 2 इंटू वी नॉट बाय आर इंटू 300, राइट। नाउ आफ्टर कॉम्बिनेशन, जब मैं दोनों को कंबाइन कर दे रहा हूं, बस दोनों तरफ में मुझे एक चीज मालूम है, जो प्रेशर जो है वो दोनों तरफ में डेफिनेटली सेम होना पड़ेगा। सो लेट फाइनल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट,
तो लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, P नॉट इंटू V नॉट बाई R इंटू 300, और राइट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स P नॉट इंटू V नॉट, क्योंकि ये 127 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया हूं, टेम्परेचर है कितना मेरे पास 400 केल्विन, तो R इंटू 400, राइट। तो बाकी चाहे जो भी हो, इनिशियल और फाइनल में NL प्लस NR जो है वो हमारा सेम रहना चाहिए, यानी NL प्लस NR मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इन बोथ, दोनों केस में ही इनिशियली जैसे रखा था और फाइनली जो रखा हूं, उन दोनों में लेफ्ट प्लस राइट का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। देयरफॉर वी नॉट बाय आर इंटू 300, अगर मैं कॉमन लेता हूं, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पर देखूं, P नॉट V नॉट बाई R 1 + 300 + 1 + 400, ये मेरे पास आ जाएगा। सो नाउ V नॉट कैंसिल, R R कैंसिल, तो P नॉट बाई 1 by 100 is equals to P naught into 1 + 300 + 1/400, right? So now, अगर मैं 100 से multiply कर दूं, तो 1 is equals to P naught into 1 + 3 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा P naught, अगर मैं calculate करूं, it will be 7 P naught by 12। तो जो मेरा फाइनल प्रेशर आएगा P नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 12/7 atm, राइट। तो काफी आसान सा सवाल है, बस मैं दोनों तरफ का मोल्स जो है वो मैंने कंजर्व किया। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और एक सवाल देखते हैं फिर। मेरे पास ऐसा एक सर्कुलर यूनिफॉर्म ट्यूब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब है, समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली ट्यूब का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? तो अब क्या है, वो ट्यूब को दो स्टॉपर के सहारे, उस ट्यूब को दो स्टॉपर के सहारे सेपरेट आउट किया गया है। यहां पर एक स्टॉपर है और यहां पर एक स्टॉपर है, राइट? ये हमारा सेंटर है, ये वाला एंगल जो है वो एंगल दे रखा है अल्फा। दे आर मूवेबल स्टॉपर्स, ये जो स्टॉपर है ऊपर वाले को फिक्स कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, दोनों मूव करने की जरूरत नहीं है। ये वाला मेरा मूवेबल स्टॉपर है, राइट? मेरे जो दो कंपोनेंट है, जो दो पार्ट है, उनमें दो गैस डाला, ठीक है। यहां पर ये वाले गैस का मास है m, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो 28 ग्राम, इसको मैंने टेम्परेचर पे रखा T पे, राइट? अच्छा, नाउ यहां पर इस तरफ एक दूसरा गैस है, इसका मास है, मास जो है वो है मेरा m, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, टेक इट एज 32, ठीक है,
उल्टा कर लो, चलो एक मिनट उल्टा कर लेते हैं। इस तरफ 28 वाले को रखते हैं और इस तरफ 32 को रखते हैं, चलो कोई ना, राइट। और इसका भी जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है वो टेम्परेचर है टी। सवाल, ये वाला स्टॉपर फिक्स है, ये वाला स्टॉपर मूवेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज बोल सकता हूं, जब फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में डेफिनेटली दोनों तरफ का प्रेशर भी हमारा इक्वल होगा पी और पी, राइट। तो सवाल है कैलकुलेट अल्फा एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एट इक्विलिब्रियम। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान दो। अच्छा, दोनों तरफ के गैस का मास जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट है 32 और 28, तो यहां का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है m बाय 32 और इस तरफ का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है m बाय 28, राइट। अच्छा, अब इसे ध्यान दो, इधर का जो लेंथ है, सॉरी ये रेडियस अगर r है, यहां का जो लेंथ है वो है r इंटू अल्फा और इधर का जो लेंथ है वो है r इंटू 2π - α, 2π मतलब 360 डिग्री। इधर वाले का जो लेंथ है वो है r इंटू 2π - α और ये वाला जो लेंथ है वो है r इंटू अल्फा, राइट। सो ये वाले लेफ्ट वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को a मानता हूं, दैट विल बी a इंटू r इंटू 2π - α और दूसरी तरफ का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, a इंटू r इंटू अल्फा। ये है दोनों पार्ट का वॉल्यूम, दोनों पार्ट का प्रेशर सेम है, दोनों पार्ट का टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं V1 by V2 must be equals to N1 by N2, ठीक है, इसको N2 नाम दे दो, इसको N1 दे दो, तो V1 by V2 must be equals to N1 by N2, so V1 by V2 कितना जाएगा मेरे पास, 2π - α/α एंड N1 by N2 अगर मैं करूं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट विल बी 32/28। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या जाएगा, दिस इज 16, 4 से काट दो 8 7, सो 14α - 7α That will be equals to 8α. So simply I can say alpha is equals to 14π/15. That is equivalent to pi radian is nothing but 180 degrees. So 14π/15 into 180 degrees. So kitna ho jayega? This is 12. Now 14 into 12 is nothing but 168. So alpha at equilibrium will be equals to 168 degrees। तो ये जो दोनों स्टॉपर हैं उनके बीच में जो आपस में एंगल बनेगा वो 168 डिग्री बनेगा। अच्छा बाय द वे, ये डजंट मैटर जो यहां पे हम फिक्स किए थे या नहीं किए थे, फिक्स नहीं करते तो ये भी मूव करता, ये भी मूव करता, बट फाइनल में उन दोनों को सेंटर से ज्वाइन करता हुआ जो दो रेडियस होते उनका बीच का एंगल हमेशा ही मेरे पास 168 डिग्रीज ही आता, ठीक है। तो मैं इसीलिए फर्क नहीं पड़ता था, एक तरफ को फिक्स रख दिया था और दूसरी तरफ को मूवेबल, राइट। तो चलो अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के साथ
एक ऐसा नोजल फिटेड है, बहुत छोटा पतला सा नोजल है, ठीक है। यहां पर जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो है वी नॉट, ठीक है। कंटेनर का टेम्परेचर मैंने हमेशा टी नॉट पे मेंटेन किया हूं, राइट। अच्छा, इनिशियल प्रेशर, जो हमारा इनिशियल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट, राइट। अब ये जो मेरा नोजल है उस नोजल से गैस बाहर आ रहा है, क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन उसके बारे में, वॉल्यूम, रेट ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ नोजल, इज इक्वल्स टू सी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेट सी से गैस बाहर निकल रहा है, पर ध्यान देना जो अंदर का गैस है उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है हमारा वी नॉट पे। ऑब्वियसली बात है यहां पर से जब जैसे ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा तो कुछ मोल्स ऑफ गैस जो है वो हमारा बाहर निकल रहा है, जिस कारण पे अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। टी नॉट हमारा मेंटेन है तो उसको टेंशन मत लेना, बट अंदर के गैस का वॉल्यूम तो वी नॉट ही रहेगा। गैस यहां पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेट सी से बाहर आ रहा है। कंसिडर प्रेशर ऑफ गैस कमिंग आउट इज इक्वल्स टू प्रेशर इनसाइड। जो गैस बाहर आ रहा है उस इंस्टेंट पे जो अंदर का प्रेशर है वही आउटकमिंग गैस का भी प्रेशर है, वो एज्यूम करना, ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रेशर inside gas as function of time t, right। तो यहां पर दो टाइप की चीज है, एक जो अंदर गैस है उसके बारे में, और जो छोटा सा गैस हमारा इस पॉइंट के थ्रू बाहर आ रहा है, जो हमारा यहां पर अंदर पे गैस जो बाहर आ रहा है वो भी डेफिनेट सी बात है जो उसका वॉल्यूम रेट हमें दे रखा है। तो दो अलग अलग एनालिसिस करेंगे। तो लेट प्रेशर इनसाइड, जो अंदर का प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल्स टू पी एट एनी जनरल इंस्टेंट। तो अंदर के गैस के लिए मैं डेफिनेटली क्या लिख सकता हूं, P into V naught is equals to n R T naught, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम तो डेफिनेटली हमारा V naught पे फिक्स है, ठीक है। जो वेरी करेगा वो डेफिनेटली हमारा नंबर ऑफ मोल्स n करने वाला है। अच्छा, अब जो गैस जो बाहर आ रहा है, ठीक है, उसका मुझे dV by dt दे रखा है, that is equals to minus c। माइनस सी क्यों समझ रहे हो, क्योंकि गैस बाहर लीक आउट कर रहे हैं, तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेगेटिव रेट है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली जब गैस का वॉल्यूम डीवी बाहर निकलेगा, लेट डी एन मोल्स इज कमिंग आउट, राइट। तो वो जो गैस बाहर आ रहा है उसका प्रेशर पी है, उसका वॉल्यूम डीवी है, डीटी टाइम के लिए कंसिडर कर रहा हूं, वॉल्यूम डीवी है, राइट, और टेम्परेचर तो टी नॉट है। तो मैं जो गैस बाहर आ रहा है उसके लिए मैं लिख सकता हूं या नहीं, पी इंटू डीवी इज इक्वल्स टू एन आर डी एन R T नॉट, राइट। यहां पर डीवी का वैल्यू क्या है, माइनस सी इंटू डी टी, सो माइनस पी सी डी टी इज इक्वल्स टू डी एन आर टी नॉट,
तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है, एक पहला इस वाले के करस्पॉन्डिंग और दूसरा इस वाले के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर मैं पहला वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, वी नॉट तो कांस्टेंट है, पी के जगह पर डिफरेंशिएशन में आ जाएगा डीपी, आर और टी नॉट कांस्टेंट है, तो वी नॉट इंटू डीपी विल बी इक्वल्स टू डीएन इंटू आर टी नॉट। सो ये है मेरा दो इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो डीएनआर टी नॉट इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूं, तो सिंपली मेरे पास एक रिलेशन आएगा माइनस पी सी डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू डीपी, तो डीपी बाय पी विल बी इक्वल्स टू माइनस सी बाय वी नॉट इंटू डी टी। सो नाउ इफ आई इंटीग्रेट एट टी इक्वल्स टू जीरो, प्रेशर है मेरा पी नॉट, और टी पर मेरा प्रेशर होगा पी, तो इंटीग्रल डीपी बाई पी दैट इज एल एन पी फ्रॉम पी नॉट टू पी माइनस सी टी बाई वी नॉट। सो सिंपल सी बात है, एल एन पी बाई पी नॉट माइनस सी टी बाई वी नॉट, ये समझ में आ गया होगा, एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट होगा लिमिट पुट करने के बाद, दैट कैन बी रिटन एज एल एन पी बाई पी नॉट माइनस सी टी बाई वी नॉट, तो पी बाई पी नॉट विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस सी टी बाई वी नॉट, सो प्रेशर पी इन साइड विल बी पी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी बाई वी नॉट। ये है हमारा अंदर का प्रेशर का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस टी, इनिशियली इट वाज पी नॉट, जीरो तभी होगा जब हम टी को इंफिनिटी पुट करेंगे, यानी एग्जैक्ट जीरो प्रेशर तो कभी आएगा नहीं, सो इट विल बी पी नॉट, और धीरे 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 जो है प्रेशर हमारा जीरो की तरफ जाता रहेगा। तो अगेन दिस आर सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में एक बार ग्रिप बैठना जरूरी है, अगेन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों में आता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। ओके दोस्तों अब हम देखते हैं द वर्किंग ऑफ अ वैक्यूम पंप। इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे जो वैक्यूम पंप हमारा कैसे काम करता है। Let's see. तो वैक्यूम पंप एक बहुत ही ज्यादा सिंपल डिवाइस है, ध्यान देना। मेरे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर गैस होता है, उस गैस का अंदर का टेम्परेचर जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। यहां पर एक बहुत पतला नोजल के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, नोजल का ये वाले एंड पे एक स्टॉपर होता है, नोजल का जो ये वाला एंड है इस पर एक स्टॉपर होता है, यहां पर एक फिक्स पिस्टन होता है, ये वाला पिस्टन फिक्स है, तो अंदर जो भी गैस रहता है उसका वॉल्यूम जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है एट अ वी नॉट। ठीक है, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है टी नॉट पे। ओके, अब ये वाले नोजल के दूसरे एंड के साथ एक इस तरीके से वैक्यूम पंप हमारे पास होता है, राइट? ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये पंप ऑपरेट करता है, ये वाला कंटेनर का वॉल्यूम है वी, राइट? ओके, सो करते क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले ये वाला जो तुम्हारा पिस्टन होता है वो यहां पर होता है, ठीक है? इसको अब मैं इस तरफ खींचता हूं, राइट? अच्छा, जैसे मैं खींचूंगा तो अंदर में प्रेशर हमारे पास लगभग जीरो हो जाएगा, यानी लगभग वैक्यूम क्रिएट होगा। सो व्हाट हैपेंस,
जो हमारा अंदर का हवा है वो हवा इस वाले स्टॉपर के थ्रू इस तरफ आता है। स्टॉपर जो होता है उसका काम ये होता है जो लेफ्ट और राइट का फ्लो जो है वो करने तो देगा, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ कोई फ्लो नहीं आने वाला है। यानी स्टॉपर ये फ्लो को परमिट करता है बट ये वाला फ्लो को इनिबिट कर देता है। तो जो गैस इसके अंदर एक बार आ गया वो इसी जोन पे ट्रैप हो गया। अब मैं इसको धक्का मारता हूं तो अंदर पे पूरा जगह खाली हो गई, जो अंदर का गैस था वो गैस मेरा यहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये खींच के वापस अंदर करना, इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रोक, राइट। इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रोक। ये वाले का जो प्रेशर है इनिशियली, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट। तो कैलकुलेट द इनसाइड प्रेशर आफ्टर n such strokes, ऐसे n strokes करने के बाद अंदर का प्रेशर कितना होगा। ओके, अच्छा यहां पे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। जब हम गैस जो है वो हमारा बाहर निकल रहा है तो सर हम एनालाइज किस तरीके से करेंगे। ध्यान देना, इसका जो इनवर्स स्ट्रोक है उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन उसको एनालाइज करने की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। कंसिडर द आउटवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, कंसिडर द आउटवर्ड स्ट्रोक। मैं पहला स्ट्रोक के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। सो आउटवर्ड स्ट्रोक में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ध्यान देना। जब मेरा फर्स्ट स्ट्रोक चल रहा है, जब हमारा फर्स्ट स्ट्रोक चल रहा है तब हमारा इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, और वॉल्यूम जो है वो है मेरा वी नॉट। क्योंकि राइट नाउ ये वाला कंटेनर मेरा ऑपरेटिव नहीं है। अब जैसे मैं आउटवर्ड स्ट्रोक में इस कंटेनर को खोल दूंगा तो यहां में से गैस का कुछ हिस्सा यहां पर आ जाएगा, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर गैस और इसके अंदर गैस, जब तक ना ये प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब तक ये स्टॉपर के थ्रू हमारा एयर फ्लो चलता रहेगा। जैसे ही दोनों तरफ का प्रेशर इक्वेट हो गया तो वहां पर अब ये स्टॉपर ऑपरेट करना बंद हो जाएगा, और अब जो ये वाला जैसे ये ऑपरेट करना बंद करेगा ये वाला सिस्टम इस सिस्टम से कट ऑफ हो गया। उतना मोल्स ऑफ गैस को मैं धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा, राइट। लेकिन धक्का मार के बाहर फेंकने के पहले का सोचो, यानी जब मैं आउटवर्ड लेकर आया हूं, मैं अगर इसको और इसको एक सिस्टम मानता हूं तो P फाइनल जो होगा वो P है मान लो, राइट, जब ये फिलअप हो रहा है, और उसके दौरान जो मेरा वॉल्यूम है वो होगा मेरा V नॉट प्लस V। और अभी तक देखो, ध्यान दो, दिस प्लस दिस मिला के मेरा मोल्स पे कोई बदलाव नहीं आया है, टेम्परेचर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, P1 V1 will be equals to P2 V2। तो अंदर का जो प्रेशर बन जाएगा वो हो जाएगा P0 into V0 by V0 plus V। ये वाला प्रेशर को चलो P1 बोल दो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद। P1 will be simply P0 into V नॉट प्लस वी। समझ में आया है, नहीं आया? और ये जो अंदर का प्रेशर है अब
इनवर्ड स्ट्रोक के दौरान वो प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि कोई भी गैस का फ्लो यहां पर नहीं आएगा, यानी बाहर खींच के अंदर करने पर पी नॉट मेरा इतने से बदल जाएगा, राइट? इनवर्ड स्ट्रोक को मैंने एनालाइज ही नहीं किया क्योंकि जैसे ये आउटवर्ड हो गया अब ये कट ऑफ है, अब मैं वापस इसको सिस्टम का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, यानी हर आउटवर्ड स्ट्रोक में सिस्टम इज कंटेनर प्लस द वैक्यूम पंप और हर इनवर्ड स्ट्रोक में सिस्टम इज ओनली द कंटेनर। तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला अगर मेरा बना है तो सेकेंड स्ट्रोक के लिए पिनॉट की तरह काम करेगा मेरा P1। तो जब मेरा सेकेंड स्ट्रोक की बारी आएगी तो उस सेकेंड स्ट्रोक में जो P2 होगा दोस्तों, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू P1 इनटू V0, V0 प्लस V। अब तो जो इनिशियल प्रेशर है P0 को रिप्लेस करूंगा P1 से, एंड नाउ आई कैन सी P1 इज दिस, तो आई कैन से P2 विल बी इक्वल्स टू P0 इनटू V0 बाय V0 प्लस V का होल स्क्वायर, राइट? तो ऑब्वियसली बात है ये सेकेंड स्ट्रोक की कहानी है और इसी लॉजिक को आगे करते हुए, क्योंकि P2 अब इनिशियल प्रेशर की तरह काम करेगा, तो हर बार प्रेशर इतना फ्रैक्शन से मेरा बदल रहा है तो मैं कह सकता हूं जो आफ्टर n स्ट्रोक्स, After n strokes, simple सी बात है, Pn will be P0 into V0 by V0 plus V whole to the power n। यहां पर यह भी पूछ सकता है जो कितने strokes बाद अंदर का pressure आधा हो जाएगा, तो Pn को लिख देंगे P0 by 2, तो half is equals to this। So, V0 plus V to the power N equals to half, यानी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं एक बार, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स टू रिड्यूस प्रेशर, टू रिड्यूस प्रेशर बाय हाफ। यानी हाफ कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, वन थर्ड भी पूछ सकता है, इन जनरल तरीका देख लो। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा फाइनल प्रेशर चाहिए पीएन, दैट पीएन मस्ट बी इक्वल्स टू पी नॉट बाय टू, सो हाफ विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाय वी नॉट प्लस वी टू द पावर एन। उल्टा कर लो, वी नॉट प्लस वी by V0 to the power n equals to 2. Now take log. So, ln 2 equals to n into ln. So, n will simply come out to be ln 2 by ln 1 plus V by V0. अब V by V0 का वैल्यू जो देगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास n आ जाएगा। एग्जैक्टली हाफ होगा नहीं क्योंकि कुछ भी जरूरत नहीं है, मतलब इनफैक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों नंबर मेरा एक इंटीजर हो, राइट? वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, राइट? सो आई होप द वर्किंग ऑफ वैक्यूम पंप इज अंडरस्टूड, ठीक है? बस नोजल और वैक्यूम पंप में यही डिफरेंस है, नोजल वॉज अ कंटिन्यूअस फ्लो एंड दिस वैक्यूम पंप इज बेसिकली द स्ट्रोक फ्लो। यहां पर मैं स्ट्रोक बाय स्ट्रोक प्रेशर को बदल रहा हूं, इट्स अ डिस्क्रीट एनालिसिस। जो हमने नोजल वाला किए थे दैट वाज अ कंटीन्यूअस एनालिसिस, बाकी मुद्दे की बात जो है वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा, राइट? आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। चलो अब कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत। मान लो मेरे पास वन मोल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है? उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है वॉल्यूम के साथ, एज टी इक्वल्स टू टी नॉट अल्फा वी स्क्वायर।
ठीक है। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर अटेनेबल बाय गैस का मैक्सिमम प्रेशर कितना अटेन हो सकता है, मुझे उस चीज को एनालाइज करना है। तो कैसे एनालाइज करेंगे, पहले उसके पहले हम लोग एक बार मैथमेटिकल एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो गैस का जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये बोला है। तो ये पूछा है जो मैक्सिमम प्रेशर मैं कितना अटेन करवा सकता हूं। तो दोस्तों ध्यान देना, क्या है मेरे पास, अच्छा चाहे कुछ भी हो एक चीज तो हमेशा वैलिड है, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये चीज तो हमारे पास हमेशा वैलिड है, राइट। सो प्रेशर में लिख सकता हूं पी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, दैट इज माई प्रेशर। एन मेरा वन है, वन मोल ऑफ आइडियल गैस दिया हुआ है। सो प्रेशर पी मेरे पास आ जाएगा आर बाई वी, और टी का वैल्यू में बोल सकता हूं टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर। सो प्रेशर पी कितना आ जाएगा मेरे पास, आर इंटू टी नॉट बाई वी प्लस अल्फा इंटू वी। ऑब्वियसली बात है, देख सकते हैं दो टर्म है, एक 1 बाई वी के साथ और एक मेरा वी के साथ। तो डेफिनेट सी बात है, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो ये वाला टर्म जो है वो मेरा छोटा हो जाएगा, और मैं वॉल्यूम को अगर घटाऊंगा तो ये वाला टर्म जो है वो मेरा छोटा हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा का सवाल पैदा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है, राइट। नाउ E not by V plus alpha V by 2 will be greater than root over T not into alpha. AM is greater than or equal to GM. इसका GM क्या होगा? T not by V into alpha V, V V cut. Right? So, T not by V plus alpha V टू टी नॉट अल्फा, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, इस पी मिनिमम, सॉरी। तो ये वाला चीज को मैं पुट करते हुए लिख सकता हूं पी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर इनटू, इसका हम मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, और वो कितना आ जाएगा, टू टी नॉट अल्फा। तो मिनिमम प्रेशर तब होगा, मिनिमम प्रेशर कितना आ जाएगा, 2R इंटू रूट ओवर टी नॉट अल्फा। और ये कब होने वाला है, ये तभी होगा जब एम इक्वल्स टू जीएम होता है, और एम इक्वल्स टू जीएम तभी होता है जब दोनों क्वांटिटी हमारी इक्वल होती है। तो सिंपल सी बात है, पी मिनिमम ऑकर्स व्हेन दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल, यानी T not by V will be equals to alpha V, यानी V is equals to root over T not by alpha. जब V मेरा root over T not by alpha होगा, तब मेरा सिंपल सी बात है जो प्रेशर आएगा वो हमारा मिनिमाइज होने वाला है। अच्छा अगर मैं इस चीज को थोड़ा ग्राफिकली एनालाइज करने का ट्राई करूं, तो दोस्तों ये मान लो है T और ये है मान लो V, तो T इज इक्वल्स टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर बोला है। तो इसका जो ग्राफ होगा अगर मैं ध्यान दूं, तो V जहां पर मेरा जीरो है, पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लो जहां पर जीरो है, तो वहां पर मेरे पास क्या आएगा, वहां पर मेरे पास अल्फा मेरा पॉजिटिव नंबर है कोई भी एक, सो इट विल बी T नॉट, और मैं V को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा
वैसे वैसे मेरा T जो है वो भी इस तरीके से क्वाड्रेटिकली आगे बढ़ेगा. सो दिस इज द ग्राफ रिगार्डिंग T इक्वल्स टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर. ओके ओके. अच्छा, लेकिन एक इक्वेशन हमेशा ही ट्रू रहेगा, वो है PV इक्वल्स टू NRT, राइट? सो अगर मैं PV इक्वल्स टू NRT करता हूं तो मैं T लिख सकता हूं P by NR into V. और ये है, अगर मैं प्रेशर को फिक्स रखता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक आइसो बार है जो y इक्वल्स टू mx से मेरा रिप्रेजेंट होने वाला है. तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे अगर ड्रॉ करूंगा, पहले प्रेशर में मान लो ये आया, ऑब्वियसली लीनियर ग्राफ है, कभी ना कभी तो क्वाड्रेटिक को कट करेगा. दो पॉइंट पे मान लो कट किया, ऐसे कट करेगा, इधर पैरेलल नहीं है, अलग अलग स्लोप है, लेकिन वो देखने में थोड़ा लग रहा है. लेकिन एक आइसोबार ऐसे होगा या नहीं जो जस्ट इसको टच करते हुए निकल जाए. एंड ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम प्रेशर मुझे मिलने वाला है. क्योंकि ध्यान देना, बाकी जो हर पॉइंट में प्रेशर मेरा फिक्स है, तो इस वाले लाइन के अलोंग अगर मैं देखूं, अगर मैं कोई और प्रेशर रखता हूं तो पहले मेरा प्रेशर बढ़ेगा और फिर मेरा प्रेशर कम होगा. बट ये वाला पॉइंट जहां पर वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, डेफिनेटली वही प्रेशर मुझे हर हाल पे मिनिमम प्रेशर देने वाले हैं. देखते हैं जो ग्राफ से हमने समझे हैं, जो अलग अलग आइसोबार्स है, वो आइसोबार में से जो आइसोबार हमारा टेंजेंट बनेगा इस वाले कर्व का, वहीं पर हमारा मिनिमम प्रेशर बनने वाले हैं. देखते हैं वो बनता है या नहीं. लेट्स सी, T इज इक्वल्स टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर. तो स्लोप जो आएगा मेरे पास dt बाई डी वी, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा V, राइट? ये है मेरा स्लोप 2 अल्फा V. और दूसरा जो मेरे पास स्लोप है, दूसरा जो मेरे पास स्लोप है, दैट 2 अल्फा V मस्ट बी इक्वल्स टू P बाई आर. हाँ कि ना? 2 अल्फा V मस्ट बी इक्वल्स टू P बाई आर, क्योंकि सिंपल सी बात है, PV इक्वल्स टू NRT में आप PV इक्वल्स, यहां पे T इज इक्वल्स टू P बाय NR इनटू V है, N जो है वो मेरा 1 है. तो ये दोनों स्लोप मेरा उस पॉइंट पे डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा, यानी 2 अल्फा V मस्ट बी इक्वल्स टू P बाय R. दैट रिलेशन शुड बी देयर. एंड P के लिए मैं एक चीज बोल सकता हूं, वो क्या है, PV इक्वल्स टू NRT मस्ट बी वैलिड. तो अब PV इक्वल्स टू NRT अगर मैं अप्लाई करूं, 2 अल्फा V क्या लिख सकता हूं, N तो 1 है, तो P by R is nothing but NRT by V, right? NT by V, N is 1, so this is T by V. तो 2 अल्फा V square must be equals to T. ये मेरे पास आ जाएगा उस पॉइंट के लिए. बट टी आई नो इक्वल टू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर. सो 2 अल्फा वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर. सो अल्फा वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी नॉट, तो वी मेरे पास आ गया अंडर रूट टी नॉट बाई अल्फा. और ये वाला V का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा उस वाले इक्वेशन में, तो मेरे पास मिनिमम प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा, P mean will be 2 अल्फा into अंडर रूट
T naught by alpha into R, that is equals to 2R alpha T naught का under root. तो minimum pressure तब होगा जब हमारा corresponding कोई एक isobar ये graph को touch करता है, यानी उस point का tangent हो. तो पहले हमने mathematically निकाल लिए और फिर हमने देखे जो graphically वो चीज इस concept को सिग्निफाई करता है, कौन सा पोजीशन को सिग्निफाई करता है. तो वहां पर हमें मालूम पड़ता है द आइसोबार बीइंग टेंजेंट टू द कर्व विल गिव मी द मिनिमम प्रेशर. ओके, तो ग्राफिकली हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब. लेट्स सी.